तो गाइस अभी इधर बटर डाल दिया। सो गाइस ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस सुबह का मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ खत्म। अभी मैं थोड़ा सा बाहर बैठी हूँ धूप में, धूप सेकने के लिए। बहुत ही ज़्यादा ठंड है, मैं क्या ही बताऊँ। कल तो दो दो ब्लैंकेट लेके मुझे सोना पड़ा, इतना ज़्यादा ठंड है। हाथ वगैरह तो सब, मतलब क्या बोलूँ, जैसे कि कोई सेंस ही नहीं है हाथ पैरों में, ऐसा चल रहा है। और बाकी आप लोगों के यहाँ कैसा ठंडा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइस पता है आज ना मेरे कॉलेज में एक फ्रेशर्स है, बट मैं नहीं जाने वाली हूँ गाइस। यस, मैं नहीं जाने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा लाइक मुझे ना गंदा वाला फीलिंग्स आ रहा है सच्ची। बहुत मन हुआ था जाने का, बट ड्यू टू सम रीजंस आई कुडंट गो। क्या करूँ, कभी कभार ऐसे ही होता है। पता है स्कूल लाइफ में भी ना मैंने कभी भी मैंने कुछ अटेंड नहीं किया, एंड कॉलेज में भी कभी नहीं किया। आज है फ्रेशर्स, वो भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। अल्लाह कितना ज़्यादा ख़राब है मेरा कि क्या ही बताओ। मतलब किसी ना किसी तरह से ख़त्म हो ही जाता है सब कुछ। चलो छोड़ो, अभी तो कुछ करने का है नहीं, क्योंकि अगर अभी मन भी हुआ तब भी मैं नहीं जा पाऊँगी। बट या कॉलेज जाना होगा मुझे 2:30 को, दोपहर का टाइम, मुझे असाइनमेंट सबमिट करना है, इसलिए प्रेशर से अटेंड नहीं कर पाऊँगी। चलो कोई ना, तो मैं बता रही थी कि मेरा ब्रेकफास्ट ख़त्म। डालिया बनाया आज मम्मा ने, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा जस्ट मैंने टेस्ट किया मम्मा की खुशी के लिए। और एक रोटी था, इसे पराठा बना के सॉस के साथ खाया। यही था मेरा ब्रेकफास्ट। फ़िलहाल मैं अभी थोड़ा सा बैठूँगी बाहर और आपसे मैं दोबारा से बात करूँगी। ठंड के मौसम में ना धूप में बैठने का मज़ा ही कुछ और है सच्ची, बहुत अच्छा लगता है। और अभी मम्मी और नानी फ़िलहाल सब्ज़ी धो रही है। आज मम्मी खाने में बनाएंगी ड्राई फिश की सब्ज़ी। और ठंड के मौसम में ये ना तीखा करके बना के खाने से काफ़ी टेस्टी लगता है गाइस। हमारे घर पे तो ठंड के मौसम में ये ज़्यादा चलता है, बट इस बार थोड़ा सा कम चला है। कोई ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी नानी और मम्मी क्या कर रही है। तो इधर देखो सब्ज़ी वगैरह सब धो रही है नानी, इधर मम्मी भी है साइड पे, धनिया पत्ती। और कल जो मम्मा ने ऑमलेट करके कढ़ी बनाया ना, इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा यम्मी था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तीखा हुआ था, बहुत टेस्टी लगा। मैं तो वैसे रात के टाइम ज़्यादातर रोटी खाती हूँ। कल ना मैंने डिसाइड किया कि नहीं चलो थोड़ा सा राइस खा लेंगे, क्योंकि जब मैंने देखा कि मम्मी ऑमलेट कढ़ी बना रही है, तब मैंने मम्मा को बोला कि आज मैं थोड़ा सा राइस खाऊंगी। मम्मा ने बोला ठीक है तेरा जो मन चाहे तो वो खा। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा राइस लिया और खाया। इतना ज़्यादा टेस्टी बना था, अभी भी इसका टेस्ट मेरे मुंह पे है। और मैंने मम्मा को बोला आप रख दो, मैं दोपहर को फिर से खाऊंगी। तो गाइस मैं अभी आ गई हूँ किचन में, देखती हूँ मम्मी अभी क्या कर रही है। इधर ड्राई फिश बनाने की तैयारी कर रही है, इधर तेल में सब सब्जी मूली की शाग सब कुछ दे दिया, आलू वगैरह, और थोड़ा सा हल्दी दे के अभी इसे थोड़ा सा फ्राई कर लिया। और इधर ऑनियन पेज भी रेडी है, साथ में इधर ड्राई फिश भी धो के रखा। और ये है फोराज, हम लोग बंगाली में फोराज बोलते हैं, इसी से बनेगा ना मामा ये फोराज भूसी। हाँ, कल हम लोगों ने भिगो के रखा ये, और भिगो के इसका जो कवर है ना वो सब फेंक के इधर रखा। इधर देखो सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है, पकेगा भी ये। अभी ना थोड़ा सा जा रही हूँ वो हमारे खेत पे, जब मौसी का घर है ना, वो जो मौसी हमारे घर पे सुबह आती है, उनके उधर ना थोड़ा सा सब्जी देना है। एक्चुअली ना हमारे खेतों से मौसी का घर दिखता है, ठीक है, तो इसलिए हमको जो भी देना होता है हम इधर से उनको पास कर देते हैं। और बहुत दिनों से ना मौसी और उनकी बेटी मतलब मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी के हाथों का ड्राई फिश की सब्जी खाना है, इसलिए मम्मी ने क्या किया आज बना के उन लोगों को दे दिया। देखो आ रही है उनकी बेटी, और मैंने थोड़ा सा दिखा लिया आपको, ये देखो ये आ रही थी। अभी चाय बना के रेडी हो चुका है, दिया आओ बैठ जाओ। तो मैंने अभी नानी को भी बुला लिया, और ये देखो चाय मेरे लिए और नानी के लिए। बाहर धूप में बैठ बैठ के हम पियेंगे चाय के साथ, मस्त एकदम। तो ये नीमकी भी लाया, और ये बाउंस बिस्किट, सब तो खाएंगे नहीं, बस सब कुछ सामने रखा। सो गाइस पापा बहुत सारा सामान लेके आए हैं, धूप का टीटा, अगरबत्ती, और इधर है बिस्किट वगैरह, बहुत सारा बिस्किट है।
सो गाइज, दोपहर का खाना मैंने खा लिया और अभी रेडी हुई थी। कॉलेज का ड्रेस भी वेयर किया था मैंने कॉलेज जाने के लिए, बट अचानक से अभी ग्रुप में देखा कि सर ने बोला कि आज नहीं होगा, सो मैं नहीं जा सकती। देखो लिपस्टिक वगैरह देखिए, पूरा रेडी हो चुकी हूँ मैं, लाइक सीरियसली हंसी भी आ रही है बहुत ही ज़्यादा। मैंने ना पूरा कॉलेज का ड्रेस पहन लिया और मैं थोड़ा धीरे से बात कर रही हूँ क्योंकि पापा सो रहे हैं और नानी भी सो रही है, इसलिए तो मैं अभी अभी जाती हूँ थोड़ा सा सोने, क्योंकि मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है अभी। बाय बाय। सो गाइज, गुड इवनिंग। मैं ना थोड़ा सा बस 20 मिनट में सोई और मैं अभी उठ गई और मुझे इतना ज़्यादा ठंड लग रही है, मतलब ठंड के मौसम में ना आप जब दोपहर को सो के उठते हो ना, इतना ज़्यादा ठंड लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। अंदर भी एक स्वेटर है, ऊपर भी एक स्वेटर लगाया मैंने, क्या ही करूँ। और उनको मम्मी क्या करिए मैं आपको दिखाती हूँ। हैं ये देखो, गुआवा, अमरूद, देखिए हमारे पैर का अमरूद। रुको, ये हमारे पैर का अमरूद है, ये है पैर और मम्मी ने इससे यहाँ से तोड़ के ये लाया। आगे देखती हूँ। गाइस देखो मम्मी का कान, देखो अभी इधर से गुआवा निकाल रही है, ये देखो तोड़ रही है। आई गिर गया, नहीं मैंने बोला कच्चा वाला देने के लिए, मुझे कच्चा वाला ज्यादा पसंद है। अंदर है पूरा, बस पत्ता ही गिर रहा है। अभी नानी भी आई है इधर, फिर भी नहीं मिला। गाइस ये डंडा इतना ज्यादा हैवी है कि मम्मी थक गई इसे तोड़ते तोड़ते, बेचारे काट दो मैं सारे। कहा कोई ये वाला? ओके एक मिल गया, बाय द वे कच्चा वाला मिल गया। सो गाइस मैं अभी आ गई हूँ किचन में कुछ बनाने के लिए, क्योंकि शाम के टाइम ना कुछ ना खाने से दिमाग पूरा गर्म हो जाता है, और बाकी जब घर पे कुछ ना हो तो हमें बस एक ही चीज हमारे सामने रहता है, वो है ये मैगी, 2 मिनट वाला मैगी, जो कि 2 मिनट में पकता तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सो यहाँ बस उसी की तैयारी चल रही है। इधर है मैगी बॉइल करके रखा, प्याज वगैरह को नानी ने काट के रखा, और ये ऑमलेट के लिए, बाकी इधर कढ़ाई भी चढ़ गया, तो मैं अभी बना लेती हूँ फटाफट से मैगी। तो नानी को बोला मैंने ऑमलेट करने के लिए, तो ये है नानी का वाला, और बाकी ये भी है नानी का, ये है मम्मा का, ये है मेरा।